जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सादेता जी, महापौर नगर निगम दक्षिण सुश्री बनिता सेठ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशीगण प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर जी, श्री देवेंद्र जोशी जी, श्री अतुल भसानी जी, पूर्व महापौर श्री रामेश्वर गदीश जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री प्रसन्न मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में जोधपुर के मेरे उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं इस घरा को नमन करता हूं जिस धारा ने विदेशी आक्रांता को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर करते हुए अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय इस देश में हमेशा दिया है। भाइयों बहनों, वीर दुर्गादास राठौर का नाम भारत के महान वीरों ने हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, जिन्होंने विदेशी हुकूमत से हमेशा लोहा लेते हुए न केवल मातृभूमि के प्रति बल्कि स्वामी भक्ति कैसे होनी चाहिए इसका एक उदाहरण दिया और जोधपुर का नाम वापस कराने में भी इस महान योद्धा का अप्रतिम योगदान है। मैं नमन करते हुए, इस धरा को नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और जब मैं राजस्थान के अंदर जहां भी जा रहा हूं, मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा है कि राजस्थान में किस प्रकार की दुर्व्यवस्था की स्थिति है। हरेक ओर लोगों में असुरक्षा का वातावरण, अराजकता, और ऐसे लगता है जैसे सरकार न होकर के कोई माफियागिरी पूरे राज्य के अंदर संचालित हो रही हो। भाइयों बहनों, 5 वर्ष राजस्थान के, वास्तव में अगर राजस्थान के इतिहास को अगर आप देखेंगे, जिस राजस्थान का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, सौर पराक्रम के लिए, भक्ति और शक्ति के लिए, कला और अपनी कलाकृतियों के लिए जिस राजस्थान की अपनी एक पहचान थी, आज राजस्थान करा रहा है एक वेदना है, और वह वेदना किसी और ने नहीं दी। यहां राजस्थान में 5 वर्ष पहले चुनी गई सरकार ही उस वेदना का कारण है। भाइयों बहनों, जहां जा रहे हैं, एक तरफ राजस्थान के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, गुंडागर्दी, कर्फ्यू, दंगे, और दूसरी ओर अगर हम भारत का देखते हैं, पूरे देश के अंदर देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन होता है। वैश्विक मंच पर जब मोदी जी जाते हैं, भाइयों बहनों, हम सब इस बात को देखते हैं, वह देश, उस देश के राष्ट्र प्रमुख पलक पावड़े बिछा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, यह सम्मान भारत की 142 करोड़ लोगों के गौरव को बढ़ाता है। भाइयों बहनों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, पूरी तरह भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। भाइयों बहनों, यह नया भारत है। 2014 के पहले जो घुसपैठ होती थी, जो आतंकी वारदात होती थी,
कितने बंदों में आए। 2014 के बाद आप देख रहे होंगे ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ी देता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है और इस नए भारत को हम सब महसूस कर रहे हैं। भैया बहनों, कांग्रेस ने समझ